वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो मैंने बनाई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की समरी से रिलेटेड। हाँ जी, ये है चैप्टर 6 क्लास 4 का। चैप्टर का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाली हूँ। ये स्टोरी किसने लिखी है, किससे रिलेटेड है, ये सब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे ये हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक नर्स होती है कैसे वो एक हॉस्पिटल को चेंज कर देती है, वहाँ के जो पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से मर रहे होते हैं कैसे उनको चेंजेस लाती है, उन्हें ठीक करती है, वहाँ का रिकवरी रेट हाई करती है और जो डेथ रेट होता है ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड द बैड ट्रीटमेंट उसमें वो क्या क्या चेंजेस लेकर आती है, वही सारी चीज़ें इस स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। तो चलिए जल्दी से इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स चैनल को, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर गेट द ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। ये जो स्टोरी है थोड़ी सी कॉमिक टाइप में, देखिए पिक्चर्स भी इसकी हैं तो ये बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि हमें क्या होता है कि हम जब छोटे थे हम कॉमिक पढ़ते थे तो हम कॉमिक पिक्चर जो होती थी उससे आइडिया लगाते थे, अच्छा यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जिससे क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करती है रीडर को। तो ये भी जो स्टोरी डिफाइन की गई है यहाँ पे जो स्टोरी है कॉमिक बेस करके है, बट दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड आई एम वेरी वेल इधर यू वुड लाइक ऑल्सो इट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग वुमन हु ब्रॉट अबाउट द ह्यूज चेंजेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। इस स्टोरी में डिफाइन किया गया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण, एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया है जो एक हेल्थ केयर सिस्टम, इंग्लैंड में जो एक हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आती है। बॉर्न इन फ्लोरेंस, उसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इटली में इन 1820 में। शी वॉज नेम आफ्टर द प्लेस ऑफ हर बर्थ, और उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नाम मिला था उसे उसकी डेथ के बाद मिला था। ये है फर्स्ट पिक्चर, यहां से होती है ये स्टोरी स्टार्ट। आई वॉज जस्ट अ बॉय व्हेन आई फॉट इन द क्रीमियन वॉर एंड लाइक द 100 ऑफ द सोल्जर who were injured, I was brought to the hospital at the scutari in the Turkey. यहाँ पे ये जो ब्लू जैकेट जो पहनी है और जिन्होंने स्पैक लगाया है, कैप लगाई है, ये एक अंकल हैं और यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके पीछे एक आपको स्टैचू दिख रहा है, लैम्प हाथ में लिया हुआ है, दैट इज द स्टैचू ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और यहाँ पे जो ब्लू शर्ट वाले अंकल हैं ये इन बच्चों को बता रहे हैं कि जब मैं एक लड़का था तो मैंने एक वॉर में हिस्सा लिया था, पार्ट लिया था, और उस युद्ध में मैं क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था। वो वॉर कहाँ पे हुआ था, वो वॉर था क्रीमियन वॉर, टर्की में हुआ था। तो बता सॉरी टर्की में तो हॉस्पिटल था, तो क्रीमियन वॉर में मैंने हिस्सा लिया था, मैंने लड़ाई लड़ी थी जिससे मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त घायल हो गए थे, और हमारे इलाज के लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए हमें टर्की के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और उस हॉस्पिटल का नाम था स्कूट्री। अब आती है सेकंड पिक्चर, 1854 स्कूट्री टर्की के, टर्की के स्कूट्री जगह पे एक ये हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ की कंडीशन है, ये हॉल दिखाया है, पेशेंट हैं, और जैसे कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये पिक्चर थोड़ी सी स्कैटर्ड सी, मतलब साफ सुथरी सी नहीं लग रही है, हर चीज़ थोड़ी बिखरी हुई सी दिखाई दे रही है। The hospital was filthy. There were rats and the flies everywhere. If I close my eyes, I can still remember the smell. ये जो हॉस्पिटल था बहुत गंदा था, यहाँ पे बहुत सारे चूहे और मक्खियाँ थी, हर जगह चूहे और मक्खियाँ थी, और जब कभी भी मैं अपनी आँखें बंद करता था तो मैं चूहे और मक्खियों की जो स्मेल, जो गंदी बदबू होती है उसको मैं महसूस कर सकता। ये जो यहाँ पे ब्लू शर्ट वाले अंकल हैं
ये अपनी यंग एज, जब वो एक लड़के थे और वॉर में ये घायल हो गए थे, उन्हें इस हॉस्पिटल में लेके आया गया था। तब बता रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में हमें एडमिट करवाया गया था, वो हॉस्पिटल एक्चुअल में इतना गंदा था कि अगर अपनी आंखें भी बंद करता था ना, तो मुझे स्मेल आती थी चूहों की और मक्खियों की। इतनी बुरी कंडीशन थी उस हॉस्पिटल की। यहाँ थर्ड पिक्चर आती है। थर्ड पिक्चर में देखिए, तीन बेड हैं, तीन पेशेंट लेटे हुए हैं, एक लेडी है, ठीक है, एक नर्स है, और उसके हाथ में लैम्प है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक आई फील वेरी इल। आई वॉच्ड ए लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डाई फ्रॉम द इन्फेक्शन। कुछ हफ्तों के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बीमार हो गया, बुखार आ गया, और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ इस हॉस्पिटल में जिनको एडमिट करवाया गया था, वो इन्फेक्शन की वजह से मर गए थे। वन नाइट, एक रात, एज आई ले देयर फीलिंग रेच्ड, आई सा हर फॉर द फर्स्ट टाइम, द लेडी विद द लैम्प। एक रात जब मैं बड़े परेशान होके लेटा हुआ था, तब मैंने पहली बार उस लेडी को देखा था अपनी आंखों के सामने, और उसके हाथ में एक लैम्प था। द लेडी वॉज दैट लैम्प, तो उसके हाथ में एक लैम्प था, और फर्स्ट टाइम मैंने उस लैम्प को देखा था। दिस इज द नेक्स्ट वन पिक्चर विच इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो नर्स भी है, और दो तीन आपको वहां पे स्वीपर दिख रहे हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये क्या कर रही है, कुछ आइडिया आपको तो मिल गया होगा कि ये क्लीन कर रही है। आई नीड दिस प्लेस स्पॉटलेस, मुझे इस जगह को बिल्कुल साफ करना है। शी बार्क इन टू दैट अवफुल प्लेस एंड टू कंट्रोल एट वंस। वो अचानक से उस बहुत ही भयानक सी और बहुत ही गंदी सी जगह पे आ जाती है और बोलती है कि मुझे इस जगह को ठीक करना है, कंट्रोल करना है, और इस जगह को साफ करने की जरूरत है। तो ये आगे इस पिक्चर में जो भी हमने बताया आपको, जो भी इसमें डिस्क्राइब है भाई, वो मैंने आपको बताया है। और आई होप कि आप एक एक पिक्चर्स की जो कोटेशंस हैं, जो इनकी भी इनके डायलॉग्स हैं, अच्छे से आप वो समझ पा रहे होंगे। भाई देखिए, मैं इजी लैंग्वेज तो यूज़ कर रही हूँ, बाकी डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इसे सुन रहे हैं। अब आती है नेक्स्ट पिक्चर्स। नेक्स्ट पिक्चर में ये जो लेडी है इस बॉय को, ये बॉय कौन है, यही वो बॉय है जो ये अब अंकल बन चुके हैं। ये देखिए, इस बॉय ने फर्स्ट टाइम फ्लोरेंस को देखा। हाउ आर यू फीलिंग टुडे मिस्टर एंड्रीज, वो जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है वो बोल रही है, भाई मिस्टर फ्लोर वो मिस्टर एंड्रीज, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लीव्स शी मेड इनवैलिड फील्स रेस्पेक्टेड। मतलब पहली बार, मतलब मैं इतना परेशान, इतना कमज़ोर, और मैं मतलब ऐसा इंसान था, बहुत परेशान था, और मुझसे किसी ने इतने प्यार से बात की। तो देखो यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, यानी कि खुश हो गए हैं मिस्टर एंड्री। अब सेकंड पिक्चर, यहाँ पे देखो बहुत सारी नर्स है, क्या बातें कर रहे हैं भाई। एवरीवन सून लर्न दैट द फ्लोरेंस वॉज नॉट लाइक द अदर नर्सेज। इस हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में, टर्की का जो स्कूटनी हॉस्पिटल है यहाँ पे, और जितनी भी नर्सें वगैरह हैं उन सबको जल्दी ये पता चल गया, जो फ्लोरेंस नाइटिंगल नर्स है ये और नर्सों की तरह नहीं है। और नर्सों की तरह नहीं है से मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वे और नर्स की तरह टाइम पास नहीं करती है, फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करती है, पूरा हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करती है, और जब तक अपने काम को अच्छे से पूरा नहीं करती तो ये शांत नहीं बैठती। तो ये बातें अब जितनी भी नर्स हैं उन सबको पता चल चुकी है कि ये बाकी और नर्सों की तरह नहीं है। अब यहाँ पे एक बच्ची दिखाई दी है, साथ में अंकल हैं। तो क्या है यहाँ पर, 1832 डर्बीशायर इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक डर्बीशायर जगह है, और ये जो टाइम पीरियड बताया है वो 1832 का बताया है। Florence had always excelled at her lessons. She wanted to help people by becoming a nurse when she grew. यहाँ पे हमेशा से फ्लोरेंस जब एक बच्ची थी, जब वो एक अपने बचपन चाइल्डहुड का टाइम पीरियड बता रही है, कि जब वो बच्ची थी तब से उसके दिल में ये भावना, ये फीलिंग्स आ गई थी कि मैं एक बड़े होके नर्स बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। Her parents, on the other hand, didn't encourage this. They hated that she wanted to become a nurse. लेकिन दूसरी तरफ उनके जो फादर थे वो नहीं चाहते थे, और स्पेशली उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी
नर्स का काम करें। क्यों? क्योंकि वो इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करते थे। दे थॉट नर्सिंग वॉज नॉट अ जॉब फिट फॉर अ लेडी। वो सोचते थे कि जो औरत के लिए जो नर्स की जॉब होती है वो एक अच्छी जॉब नहीं है। बिकॉज हॉस्पिटल्स वॉज डर्टी हॉरिबल प्लेस। क्योंकि उन्हें लगता था जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं और बहुत ही डर्टी प्लेस, मतलब गंदी जगह पर बने होते हैं और बहुत ही भयानक होते हैं। ऐसा फ्लोरेंस के पेरेंट्स को लगता था कि जो नर्स की जॉब है वो लेडीज के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही हॉरिबल प्लेस है और ये बहुत ही डर्टी फुल होता है और ये एक लेडी के लिए सही नहीं है। इसलिए फ्लोरेंस, क्योंकि सिंगल चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होके नर्स बने। बट दूसरी पिक्चर में तो फ्लोरेंस कहीं जा रही हैं और स्माइल भी कर रही हैं। 1853 लंदन, 1853 में क्या होता है। बट फ्लोरेंस पर्सिस्टेड, हर द पेरेंट्स फाइनली अलाउड हर टू ट्रेन एज अ नर्स इन जर्मनी। लेकिन कुछ सालों के बाद जो फ्लोरेंस होती है वो अपने पेरेंट्स को मना लेती है। अब कैसे मनाती है वो, भाई उनका टाइम पीरियड होगा, बट यहाँ पर बस इतने लिखा है कि फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को मना लिया और उनके पेरेंट्स फिर बाद में मान जाते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है जाओ जर्मनी में और जाके वहाँ पे नर्स की ट्रेनिंग लो। आई विल राइट टू यू एवरी वीक। यहाँ पे फ्लोरेंस जा जाते बोल रही है अपने पेरेंट्स को कि मैं आपको हर हफ्ते लेटर लिखूंगी। तो यहाँ तक हमें पता चला, अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। Of the Crimean War and the horrible state British hospital reached Florence's ears, and so she set out of the battlefield talking with her team of the 38 nurse. जैसे ही फ्लोरेंस को ये पता चलता है कि एक क्रीमियन वॉर हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं घायल हो गए हैं, जितने भी सोल्जर्स थे, और उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो फ्लोरेंस सुनते ही अपने साथ एक टीम लेके जाती है जिसमें 38 नर्स होती है और अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। ये टाइमिंग है 1854 स्कूडरी का। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वुमेन वर ऑफिशियली अलाउड टू द सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। और उसी सन में, किस सन में, 1854 ईयर में, इस टाइम पीरियड में ही ये फर्स्ट टाइम ये अलाउ हुआ था कि लेडीजों को परमिशन मिली थी, परमिट मिला था कि वो ऑफिशियली किसी हॉस्पिटल में ब्रिटिश आर्मी उसमें जाके ट्रीटमेंट कर सकती हैं, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। उससे पहले लेडीज को अलाउ नहीं था कि वो ब्रिटिश आर्मी का ट्रीटमेंट करें। यहाँ पे तो भाई फ्लोरेंस गुस्सा कर रही हैं, क्यों देखें। व्हाइल यू सिट हियर थाउजेंड आर डाइंग बिकॉज ऑफ आवर अनसेनिटरी हॉस्पिटल। यहाँ पे फ्लोरेंस बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो और आपके पीछे इतने हजार लोग मर रहे हैं, किस लिए, सिर्फ इस गंदे हॉस्पिटल और यहाँ के इन्फेक्शंस की वजह से। एवरी डे एट द स्कूटरी हॉस्पिटल वॉज अ फायर फॉर द फ्लोरेंस। हर रोज जो हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ था सबकी फ्लोरेंस से लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि सब थे केयरलेस, आलसी, काम नहीं करना चाहते थे, और फ्लोरेंस थी हार्ड वर्कर। तो वो जब उसे चीजें ठीक नहीं मिलती थी तो वो क्या करती थी, वो वहाँ के स्टाफ से या वहाँ के डॉक्टर से कंप्लेन करती थी। ए लॉट ऑफ द मेल डॉक्टर हेटेड द वे शी ऑर्डर्ड देम अराउंड बट डिड नॉट डेयर साइलेंस हर। वहाँ पे जितने भी मेल डॉक्टर थे, मेल डॉक्टर जितने भी आदमी डॉक्टर थे, वो सब फ्लोरेंस से नफरत करते थे, चिढ़ते थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको चुप करा सके, क्योंकि भाई फ्लोरेंस तो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। बट द फ्लोरेंस रिपोर्ट्स वर टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। तो फ्लोरेंस ने क्या किया, जो भी उस हॉस्पिटल की कंडीशन थी सारी उसकी उसने एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट उसने कहाँ पे हैंड ओवर कर दी, गवर्नमेंट को। दे सेंड अ टीम इन टू इंस्पेक्ट द कंडीशन एट द स्कूटरी हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट ने एक टीम भेजी वहाँ पे कि जाओ चेक करके आओ कि उस हॉस्पिटल में इतना इन्फेक्शन क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वहाँ पे इतने पेशेंट मर रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद भी। द टीम डिस्कवर्ड दैट द हॉस्पिटल वॉज बिल्ड ऑन अ सीवर। फिर जब टीम ने उस हॉस्पिटल को अच्छे से चेक किया तब उन्हें पता चला कि जो ये हॉस्पिटल है एक सीवर के ऊपर, एक नाले के ऊपर बना हुआ है, एंड दैट द पेशेंट वर डाई ऑल ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। और वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे वो क्यों मर रहे थे, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन वाला पानी पी रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल एक सीवर के ऊपर बना हुआ था, उसी सीवर की वजह से। देखो यहाँ पे
चूहे हैं, गंदगी है, गंदा पानी है। तो ये गंदे जो गंदा पानी था ये पेशेंट को पीने के लिए दिया जा रहा था, और जो चूहे वगैरह मक्खियाँ वगैरह थी, क्योंकि सबको पता है गंदगी में तो मक्खी और चूहे खूब आते हैं, तो इस वजह से हॉस्पिटल में इतनी गंदगी थी। फ्लोरेंस हैड अ टेरिबल एंड द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट द मोर सोल्जर्स डाइड ड्यू टू डिसीज देन ऑन द बैटल फील्ड बिकॉज ऑफ हाउ अनक्लीन द हॉस्पिटल वर। और फ्लोरेंस ने पूरी चिट्ठी लिख दी, बता दिया कि हॉस्पिटल में जो सोल्जर्स हैं वो बीमारी से या अपनी जो इंजर्ड हुए हैं उससे नहीं मर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, यहाँ पे साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है। जो कुछ भी उसने हॉस्पिटल के अंदर देखा सब कुछ उसने उस लेटर में लिख दिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। She fought for the cause of the better sanitation in the hospital. और वो हॉस्पिटल की अच्छी टेक केयर के लिए और अच्छी वहाँ की अच्छी से हर सब कुछ ठीक हो जाए उसके लिए वो काफ़ी लड़ाई लड़ती रही। Both at home and abroad, almost at once, the death rate began to fall. और वो तब तक लड़ती रही, चाहे अपने घर से हो चाहे वो अपने अब्रॉड से हो, वो तब तक लड़ती रही जब तक कि हॉस्पिटल में मरने वाले पेशेंट की कमी ना हो जाए, यानी कि जब तक पेशेंट मरना बंद नहीं हुए इन्फेक्शन से, तब तक वो अपनी लड़ाई उसने जारी रखी। व्हेन फ्लोरेंस रिटर्न फ्रॉम द क्रीमियन वॉर शी वॉज गिवन अ हीरोज वेलकम। जब फ्लोरेंस अपना अपना 100% जो अपना एक अच्छा वर्क करके आती है, जब वो क्रीमियन वॉर से वहाँ से पूरी अपनी सर्विस देकर अपना पूरा अपना 100% देकर जब वो रिटर्न वापस होती है लंदन के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी नर्सेज होती हैं, जो भी हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में वो सर्विस कर रही थी जर्मनी में, तो सब उसका मिलके बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्राउड की बात थी ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लेडी को ऑफिशियली परमिशन मिली थी कि आप ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हो, और जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था उस हॉस्पिटल में अंदर इतनी सारी गलतियाँ थी, उन सबको उन्होंने रिकवर किया, उन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया, गवर्नमेंट को अवेयर किया, वहाँ की कंडीशन में चेंजेस लेकर आए, तो ये अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएट वाला वर्क था। इसी वजह से सब ने फ्लोरेंस का वेलकम किया जो वो रिटर्न करती हैं। पीपल वोर पोएम्स अबाउट हर एंड द लेटर टू हर 100 गैदर टू सी हर, बट द फ्लोरेंस डिडेंट पे अटेंशन टू द क्राउड। कुछ लोग उनके ऊपर पोएम लिखते हैं, कुछ उन्हें लेटर लिखते हैं, कुछ लोग उनके साथ मिलना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, लेकिन फ्लोरेंस ये सब चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देती है। One person she didn't pay attention to was Queen Victoria. एक इंसान जो मतलब क्या करता है, जो अटेंशन नहीं देता था वो कौन था, दैट वॉज द क्वीन विक्टोरिया। इन 1856 क्या होता है तब, द टू मीट एंड द टॉक अबाउट द इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द इंग्लैंड हेल्थ केयर सिस्टम। फिर 1856 में दो लेडीज मिलकर आपस में बातें करती हैं कि कैसे हम इंग्लैंड के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं। यू ओनली हैव टू लुक एट दिस, द नंबर आर ट्रू। अब यहाँ पे फ्लोरेंस एक कुछ दिखा रही हैं, एक लेटर दिखा रही हैं और बोल रही हैं बाकी अपने सारी नर्सों को जो उनकी टीम थी कि देखो देखो ये जो लेटर है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या नंबर है, ये नंबर ये है कि अब इतने परसेंट लोग ठीक हो रहे हैं और मरने वाले लोगों की जो नंबर है वो कम हो गए हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरेंस और उसका जो स्टाफ है बहुत खुश है। फ्लोरेंस सून वेंट टू द शो दैट देयर वॉज अ ह्यूज डिक्रीज इन द हेल्थ आफ्टर द हॉस्पिटल वुड द क्लीन फ्रॉम द 42.1% टू मर 2.2%। यहाँ पे फ्लोरेंस एक पेपर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो अब यहाँ पे चेंजेस की वजह से वहाँ पे क्लीन कर दिया गया है, वहाँ का इन्फेक्शन दूर कर दिया गया है, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जितने पेशेंट मर रहे थे उसका जो ठीक होने का जो उन्होंने परसेंटेज दिखाया वो दिखाया 42.71 और मरने वाले की जो डेथ रेट है वो है सिर्फ 2.21। तो देखो हमने जो इतनी मेहनत की है सबने साथ में मिलकर, हमारी मेहनत रंग ला रही है। But sadly, Florence soon feel very sick. She contracted a bacteria infection from the hospital and the scrutiny. But क्या होता है, फ्लोरेंस ने अपना काम तो किया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत इन्फेक्शन था, वहाँ पर बहुत इन्फेक्टेड था, बहुत टाइम तक उन्होंने काम किया वहाँ पर,
लेकिन खुद उन्हें वहां पे रहने से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, उन्हें फीवर आ गया। ऑल इन्फेक्शन दैट ब्रॉट हर फीवर, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में उनके फैल गया जिससे उन्हें फीवर हो गया। सैडनेस एंड द एक्सट्रीम पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो बिल्कुल बिस्तर में, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, पूरी बॉडी में पेन और काफी लंबे टाइम तक वो बिस्तर पर रही। ये फ्लोरेंस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द इंग्लैंड हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए भाई, फिर भी कितनी हिम्मत वाली लेडी थी, खुद बीमार होके, खुद मतलब एक बिस्तर पे वो एडमिट हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, कहाँ के लिए, इंग्लैंड की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फाइट करती रही, जबकि खुद वो ऐसी अब मिजरेबल कंडीशन में थी। शी रोट बुक्स एंड नर्स टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द पुश्ड फॉर द बेटर हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। वो लेटर लिखती थी, बुक्स लिखती थी और अपनी नर्सों को भेजती थी, जो गरीब लोग हैं, जो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, और बेटर हेल्थ केयर करने के लिए, ताकि लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, अच्छे से उनकी टेक केयर हो सके, जो वो खुद कंडीशन में नहीं रही उसमें, कि वो खुद वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, खुद लोगों की देखभाल कर सके, उनका इलाज कर सके। तो वो अपनी टीम को भेजती थी, लेटर लिख के बताती थी, आप यहाँ पर जाओ, जो गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, आप उनका इलाज करो। तो हर कोने में जाके जितना आप कर सकते हो लोगों की का ट्रीटमेंट करो, क्योंकि अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, खुद बीमार हैं, बहुत लंबे टाइम से फीवर है और बहुत वीक हो चुकी हैं। नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ द 90। यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हो गई थी कब, जब वो 90 साल की थी। हर वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड द हेल्थ केयर रेवोल्यूशन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग एंड द चेंज्ड हाउ द पेशेंट वर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जिससे हॉस्पिटल की कंडीशन में चेंजेस आए, वहाँ की हेल्थ केयर में उन्होंने क्रांति ले आई थी, और जो नर्सों का काम था, जो फील्ड था, उसमें उन्होंने बहुत चेंजेस लेके आए, जिससे कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होने लगे थे। इस वर्ल्ड में जितने भी पेशेंट थे उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता था, वो अच्छे से ठीक हो रहे थे, और वहाँ पे रिकवरी रेट हाई थी और डेथ रेट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि फ्लोरेंस ने अपने जीते जी बहुत अच्छा काम किया था। गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड, यहाँ पे जो वो अंकल हैं जो पहले अपनी बता रहे थे यंग एज में, कि जब मैं लड़का था, क्योंकि जब ये यंग थे और ये सोल्जर थे, ये जब ये घायल हो गए थे और जब इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ पे इनके बहुत से फ्रेंड्स मर गए थे, तभी ये फर्स्ट टाइम फ्लोरेंस से मिलते हैं, फिर फ्लोरेंस इनका ट्रीटमेंट करती है, ये ठीक हो जाते हैं और आज ये जिंदा हैं, जस्ट बिकॉज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल द बेटर ट्रीटमेंट। गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड, यहाँ पे ये अब बोल रहे हैं कि गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड। ओल्ड बर्ड यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए यूज किया गया है। यू आर द रीजन आई एम स्टिल अलाइव, सिर्फ तुम ही एक ऐसा तुम ही कारण हो कि आज मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरेंस उस वक्त उस हॉस्पिटल में नहीं जाती, तो शायद आज ये अंकल भी, जो अपने टाइम पीरियड में एक बॉय थे, अपने फ्रेंड्स की तरह मर जाते। तो ये इनको थैंक यू बोल रहे, थैंक यू सो मच, जस्ट बिकॉज टू यू आई एम अलाइव। तो ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी गाइस। अगर आप ये स्टोरी आप पूरी देख रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर आपको भी ये स्टोरी उतनी ही पसंद आएगी। बाकी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए स्टोरी कैसी लगी, और थैंक यू सो मच कंप्लीट द सॉरी थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द कम्प्लीट स्टोरी। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूँगी। एंड बट आपके लिए मैं एक नई स्टोरी की वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, और तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। बट दिस टाइम थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।